हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय चैनल विदानु लेखा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँ। तो आज का टॉपिक है मेरा शकरकंदी के हलवे। तो ये मैंने लिया है शकरकंदी स्वीट पोटैटो, जिसे मैंने धो लिया है। अब मैं इसे काट लूँगी। जो आपके साइड साइड के हैं उन्हें आपको फेंक देना है काट के, और इन्हें दो भागों में टुकड़े कर लेना है, जैसे ये मैं कर रही हूँ। ये देखिए, तो ये हो चुका है मेरा पूरा तीनों शकरकंदी के दो टुकड़े। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी वाटर। आपको इसका हाफ़ बर्तन का हाफ वाटर लेना है, पानी लेना है। और अब मैं इसे मैं ऐड कर दूँगी हल्का सा, माने 1/4 टीस्पून घी। आप चाहे तो ऑयल भी ले सकते हैं। और अब हम इन्हें गैस में रख के उबाल लेंगे। तो ये आ गया है मेरे गैस पे। अब मैं इसे अच्छे से उबाल लूँगी। तो ये उबलने के लिए रेडी, और ये उबल के रेडी हो चुका है। अब मैं इसे छील लूँगी। ये देखिए, घी डालने से दोस्तों थोड़ा सा स्वाद अच्छा बढ़ जाता है, और ये छिल आसानी से जाता है और उबालने में दिक्कत नहीं जाती है, ड्राई ड्राईनेस नहीं होता है, इसलिए हम ऑयल या घी डाल लेते हैं। तो ये छिलके हमारा तैयार हो गया है। अब मैं इसे ग्लास से लेके मैश कर लूँगी। ये देखिए, आप अच्छे से इसे मैश कर लीजिएगा। इसे आप ये देखिए, अब अच्छे से मैश हो चुका है। अब हम इसे चम्मच से जो है अच्छे से और मैश कर लेंगे, ठीक। कोई भी डगले ना बचे, आपको ऐसे मैश करना है। ये देखिए। सो दोस्तों, अदर पार्ट्स मेरे जो हैं स्वीट्स के, वो मैंने आई अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दिए हैं, तो आप वहाँ जाके ज़रूर देखिएगा। तो ये रहे, अब मैंने लिया है एक कढ़ाई। इसमें मैं लूँगी 4 चम्मच घी। घी की क्वांटिटी आप ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। तो ये घी मैंने ले लिया। अब घी मेल्ट होने लग गया है, जैसा आप देख रहे हैं। ये देखिए, ये अब मेरा घी पिघलने लगा है, ये मेल्ट हो चुका है। ये देखिए, ये देखिए, घी अब अच्छे से मेल्ट हो गया है। ये देखिए, धीरे धीरे मेल्ट हो गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी हमारे जो मैश किए हुए शकरकंदी। ये देखिए, शकरकंद अब मैं जो मैश करके हमने रखा था, उसे मैं ऐड करके मिक्स कर देंगे घी में, और अच्छे से इसे हम चलाएंगे। आपको ये शकरकंदी ऐड करने के बाद छोड़ना नहीं है। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम रखना है ताकि ये जले ना। तो ये हो गया है अच्छे से मैश मिक्स। अब मैं इसमें चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी। ये ड्राई फ्रूट्स में मैंने मखाने, काजू, बादाम, अखरोट और ये हमारे खजूर के बीज लिए हैं। आप इसमें नारियल भी ले सकते हैं, पिस्ता, बादाम वगैरह मैंने डाले हैं, आप भी ले सकते हैं। इसमें नारियल भी के जो हैं, वो नारियल की गरी है, वो भी आप ले सकते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा अब कलर चेंज हो रहा है। अब मैं इसमें डाल दूँगी हमारी कूटी हुई हरी इलायची। कार्डमम में डाल दूँगी 2-3 कूट कर। आप पाउडर भी डाल सकते हैं इसका, इलायची का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब मैंने इसे अच्छे से चलाना है। ये देखिए कितना सुंदर कलर आ गया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी शुगर मीन शक्कर। अब चीनी आपको ऐसे ऐड करना है कि आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब जैसे कि हमारा शकरकंद ऑलरेडी ही मीठा होता है, तो चीनी थोड़ा सा कम डालिएगा। ये देखिए, चीनी डालते सहित इसका हमारा जो कलर है ना, बहुत सुंदर ब्राउनिश कलर आना स्टार्ट हो जाता है। तो ड्राई फ्रूट्स भी हमारे थोड़े थोड़े देखिए घी में फ्राई हो रहे हैं। तो ये देखिए, ये देखिए कलर कितना सुंदर आ गया है। जैसे मैं चला रही हूँ, लगातार आपको चलाते रहना है, अदरवाइज़ नहीं तो ये नीचे लग जाएगा, और जिससे इसकी स्मेल फिर अच्छी नहीं रहेगी, टेस्ट भी चेंज हो जाएगा अगर ये जल गया तो। ये देखिए, और आप घी की क्वांटिटी आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसे आपको अगर घी ज़्यादा खाना है तो।
ये देखिए मेरे ड्राई फ्रूट्स भी कितने अच्छे कलर में आ गए हैं। तो अब लगभग मेरा यहाँ पर रेडी है, ये देखिए ये अब पूरी तरह रेडी हो चुका है। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत इजी, बहुत हेल्दी हमारा हलवा है, जिससे कि हम व्रत में खाएंगे तो हमें दिन भर भूख नहीं लगेगी, कमज़ोरी एहसास नहीं होगा। तो कमेंट्स करके ज़रूर लिखिएगा।